Hey, what's up everyone? Welcome back to another brand new video. तो भाई आज मैं बहुत दिनों बाद एक ओवरले वीडियो लेके आया हूँ, एक एनिमेटेड ओवरले वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी लास्ट वीडियो लगभग पता नहीं कितने महीने साल ही हो गया, इतनी पुरानी हो चुकी है। एंड आज आपके लिए लेके आऊँगा कि भाई एक एनिमेटेड ओवरले आप कैसे बनाओगे अपने एंड्रॉयड पे, एंड उसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, कौन सी फाइल फॉर्मेट या कौन से साइज़ में एक्सपोर्ट करोगे आप, एंड जो डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है स्ट्रीम ओवरले का वो क्या रहता है, एंड अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ओवरले मांगने के लिए तो आप अगर वो एंड्रॉयड स्ट्रीमर है तो आप उसके लिए एक ओवरले कैसे बना सकते हो जो कि उसके लिए परफेक्ट फिट रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए PACC प्लस अलाइट मोशन और मेरा पैक जो कि डिस्क्रिप्शन में है। पैक में मैंने कुछ स्पेशल फाइल्स दे रखे हैं जो कि आप ओवरले क्रिएशन में यूज़ कर सकते हो, तो मेक श्योर टू डाउनलोड दैट पैक। एंड सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आ गए हैं PACC में। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ कि ओवरले बनाना एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि भाई वो ओवरले जो है वो वर्क करेगा या नहीं, उसका साइज़ एक्यूरेट है या नहीं। ये प्रॉब्लम आज मैं फिक्स कर दूंगा आपकी। तो सपोज़ आप एक आपके पास एक बंदा आया है, आपने खुद के लिए बनाना है, तो वो एक एंड्रॉयड गेम स्ट्रीम कर रहा है, जैसे पबजी मोबाइल या BGM, सेम ही चीज़ है भाई, BGMI जो है वो स्ट्रीम कर रहा है। तो अगर वो BGMI स्ट्रीम के लिए ओवरले मांगेगा तो आपने डिफ़ॉल्ट साइज़ का ओवरले देना है जो कि मैंने पैक में अवेलेबल करवाया है। तो आपने डाउनलोड करना है मेरा पैक, और मेरे पैक में आपको एक बेस नाम की फाइल मिलेगी। लेट मी फाइंड इट। सो दिस इज़ अ ओवरले डिफ़ॉल्ट साइज़ आपको नीचे पैक में मिल जाएगी। एक तो ये कलर वाली है जो मैंने बिल्कुल भी इसमें ट्वीकिंग नहीं कर रखी है, एक है विद कलर एंड विद ऑल दी डार्क्स मिड्स कॉन्ट्रास्ट हाई, तो मैंने ये वाली एक डार्क करके दी है। दिस इज़ इन ग्रीन शेड। अगर आपने तो पहले तो मैं बैकग्राउंड पे एक ग्रे कलर दे दूंगा। तो अगर आपने इसको जो है कलर चेंज करना है इसका, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर लो। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद एफएक्स में जाके टिंट में जाओगे, एंड यहाँ से आप अपना कोई भी कलर चूज़ कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ रेड कलर, तो मैं रेड कलर करूँगा, एंड इसकी जो इंटेंसिटी है उसको, भाई रेड कलर नहीं है, एक सेकेंड, ओके सो ये रेड कलर आ गया हमारे पास। इसमें लुमिनोसिटी कम करेंगे तो ये वो रेड कलर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ करूँगा। एंड अगर आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना चाहते हो अपने हिसाब से, वो कैसे करोगे, आप सेलेक्ट पिक्सल्स करने हैं, एक एम्प्टी ले लेनी है। सपोज़ आप एक ब्लू थीम्ड ओवरले बना रहे हो तो यहाँ पे आपने एक ब्लू कलर ले लेना है, एंड इसको जो है ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली लेयर पे आना है, इसको कर देना है ब्लैक एंड वाइट। तो आप देख सकते हो बस ऑलरेडी वो चीज़ आने वाली है, एंड आपने दोनों लेयर्स को मर्ज डाउन करना है, एंड यहाँ पे आना है अपने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में, ब्राइटनेस को कम कर देना। सो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, अपने हिसाब से भी आप ट्विक कर सकते हो, या तो आप इसको ही टेंट दे सकते हो। तो मैं तो फिलहाल यही वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपने अपना लोगो लेना है, जो भी आपका लोगो रहेगा, मैस्कॉट लोगो, टेक्स्ट लोगो। तो मैं यहाँ पे एक कस्टम लोगो यूज़ कर रहा हूँ जो कि है भाई प्रेम भाई का, तो ये वाला लोगो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली सेंटर में ऑटोमेटिकली रखा जाएगा, आपका यहाँ पे होगा, आपने सिंपली ड्रैग करके नीचे लेके आना है। आपने बिल्कुल जॉइंट नहीं करना है, हल्का सा यहाँ पे फ़र्क रखना है। ठीक है, ऐसे फ़र्क रखने के बाद आपने आना है नेक्स्ट में, एंड यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं ऐड कर रहा हूँ अपना टेक्स्ट, जो कि सेम ही मैंने लोगो में से एक्सट्रैक्ट करके मैं टेक्स्ट यहाँ पे रख दिया, तो ये भी ओवरले में बहुत बढ़िया तरीके से काम आने वाला है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे लेके आने वाला, वो है साइड लोगो। ठीक है, साइड लोगो सिंपली आपको बनाना ही सिखाता हूँ मैं। आपने अपने लोगो की डुप्लीकेट लेयर लेनी है, इसको ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर देना है, एंड देन इसको रोटेट करके कुछ यहाँ पे साइड पे रख देना है इसको, ताकि हल्का सा फेस जो विजिबल रहे। ठीक है, एंड इसके बाद आपने क्या करना है, बेस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पिक्सल्स को, और साइड लोगो पे आके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मेरे यहाँ पे गड़बड़ होगी, फेस दिख नहीं रहा है, फेस दिखना चाहिए बिकॉज वी हैव अ स्पेशल एनिमेशन फॉर दैट। तो आपको सिंपली समझ आ गई बात, तो ये वाला कुछ ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो है जो फेस है वो दिखना चाहिए आपका। तो जब आपने ऐसा एक अपने साइड लोगो सेट कर दी, इस पर एक और हम ट्वीकिंग करेंगे जो कि रहेगा एक ग्लो देना। तो वो ग्लो कैसे देंगे, आप एक सर्कल लेंगे बिल्कुल कॉर्नर में, इसको करेंगे ग्रीन बिकॉज ग्रीन थीम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, एंड लीनियर डॉज कर देंगे इसको। लीनियर डॉज करने के बाद हम इस सिंपली गॉशियन ब्लर को इसके ऊपर स्पैम कर देंगे। ठीक है, एंड देन इसको बड़ा कर देंगे। मेक श्योर कि आप जो अपना ग्लो लेयर वाली होगी उसमें से आप बेस के सिलेक्ट पिक्सल्स करके एक्सट्रैक्ट कर लें, ताकि जो है बेस के ऊपर कोई भी ग्लो ना जाए।
ठीक है। एंड बेसिकली हमारा जो है ओवरले का GFX वाला जितना जितना वर्क है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सब जो है वो काम है हमारा VFX का, वो कहाँ पे होगा, वो होगा लाइट मोशन में। तो आपने क्या करना है, अपने अपने ओवरले को सिंगल सिंगल लेयर्स में जो है वो एक्सपोर्ट कर लेना है। पहले तो आएगा हमारा बेस, ठीक है, और बेस लोगो, नेम एंड साइड लोगो तीनों एक्सट्रैक्ट करके हम चलते हैं अलाइट मोशन की तरफ। तो गाइस PACC में हम सारा कुछ एक्सपोर्ट करने के बाद आएगा अलाइट मोशन में। ये सेम चीज़ जो है काइन मास्टर में भी हो जाएगी, लेकिन काइन मास्टर में क्या है वो स्मूथ ग्राफ एनिमेशन हमको नहीं मिलेंगी। तो सिंपली आपने एक 16:9 का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है एंड अपना सबसे पहले तो बेस लेके आना है। तो बेस मैं यहाँ पे अपना ले आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारा बेस आ गया। इसके बाद हम लेके आएंगे अपना लोगो जो कि ये वाला है। ओ सॉरी, मैं अपना टेक्स्ट ले आया, ठीक है। तो लोगो हमारे पास ये आ गया हमारा। तो आपने सबसे पहले लोगो को एनिमेशन कैसे देनी है, भाई लोगो एनिमेशन आप कुछ भी दे सकते हो, स्केल, पोजीशन, रोटेशन, 3D, फलाना ढिमकना, बहुत सारी एनिमेशन हैं। तो सिंपली पहले तो मैं आपको एक पोजीशन एनिमेशन बताऊंगा। एक पोजीशन पे आके ये वाला पोजीशन होता है, पोजीशन पे आके आपने की फ्रेम डालना है, थोड़ा सा आगे जाना है अराउंड 0.30 सेकंड्स पे, एंड इसको फिर से आपने की फ्रेम दे देना है। फर्स्ट की फ्रेम पे आके आपने इसको डाउन लेके जाना है। डाउन लेके जाने के बाद आपने आना है ग्राफ में एंड कुछ ऐसा ग्राफ आपने बना देना, ठीक है। एंड यू विल सी यू गेट अ स्मूथ एनिमेशन। ये बहुत ज़्यादा 0.30 सेकंड बहुत ज़्यादा कम हो गए। लेट मी जस्ट एक्सटेंड इट टू 5 सेकंड एटलीस्ट, ओके। एंड इसके बाद लोगो पे क्लिक करके हम एंड में जाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे। एंड अभी आप देखोगे कि पोजीशन को हम 1 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। अगर 1 सेकंड का इंटरवल होगा तो और ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहले तो भैया ग्राफ के साथ लेने पंगे। देखो मैंने ये ग्राफ दे दिया, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी जो है वो नहीं चलता, ठीक है। एंड अभी जो है वो शो ही नहीं हो रहा, तो हम ये वाला ग्राफ यूज़ करके देखते हैं इधर। सो दिस इज़ गुड वन। नीचे की तरफ करोगे तो जो है इन फास्ट होगी, आउट स्लो होगा, एंड ऊपर की तरफ करोगे तो आउट स्लो होगी, इन स्लो होगा, ये आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन भैया सिंपली ये वाला ग्राफ अपने यहाँ पे दे देना है, ओके। एंड अभी आप देखोगे बड़ी ही स्मूथ एनिमेशन आ गई है। मैं यहाँ पे जो है पोजीशन को थोड़ा और नीचे लेके जाऊँगा ताकि हल्की सी एनिमेशन बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट की तो सिंपल एनिमेशन होती है भाई, पोजीशन एनिमेशन को ले लो, फर्स्ट सेकंड पे ले जाओ, इधर को लेके आओ, अपने को ग्राफ बनाओ, ग्राफ ये वाला रख दो, ईजी एज दैट। यानी आपके पास ये वाली एनिमेशन आ गई। टेक्स्ट को थोड़ा आगे करेंगे एंड टेक्स्ट को ले जाएंगे एंड तक, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारे पास ऑलरेडी इतना ओवरले रेडी है, ठीक है। इसके बाद लेके आते हैं साइड लोगो जो कि मैंने ये वाला है। एंड इसको जो है पहले तो अपने डिफ़ॉल्ट पे सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद आपने क्या करना है, एनिमेशन देनी है इसको पोजीशन की, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पे आना है, पोजीशन देनी है। ध्यान रखिए जो सेकंड आप अपने लोगो पे सेट करें वही आप सब पे सेट करें। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सेट किया है, फर्स्ट सेकंड पे सारे की फ्रेम्स आ रहे हैं, तो वैसे ही आप हर एक एलिमेंट पे फर्स्ट ही सेकंड रखिए क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा, ठीक है। हमारा साइड लोगो भी आएगा इसके साथ। एंड इसके बाद हम चलते हैं वो ग्लो हमने डाला था। एंड यहाँ पे जो है हमने लीनियर डॉज इसके ब्लेंडिंग ओपेसिटी कर देनी है। एंड इसके बाद आना है ऐड इफेक्ट पे। एंड यहाँ पे हम इफेक्ट ऐड करेंगे फ्लिकर का, एंड स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ फ्लिकर को ऐड कर देंगे। एंड अभी आप देखोगे आपका ग्लो जो है वो फ्लिकर करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही सही रहती हैं फ्लिकर के लिए, तो मैं स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो है वो ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास इतना जो है आ गया ओवरले। भाई जो ग्लो वाली PNG है वो सीधा आके बज रही है। बेसिकली एक ओपेसिटी एनिमेशन देंगे यहाँ पे, हम ओपेसिटी पे की फ्रेम देंगे, आगे जाएंगे की फ्रेम देंगे, लास्ट की फ्रेम पे आएंगे, इसको जीरो कर देंगे, यू विल गेट अ स्मूथ जो है ओपेसिटी एनिमेशन। इसके बाद भाई अब आती है बारी मज़ेदार चीज़ की, जो कि है एक बैकग्राउंड ओवरले एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले एलिमेंट क्या होता है, एक भैया जब आप एक ओवरले बनाओगे ना तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका ओवरले है वो जो है एक्चुअल स्ट्रीम से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, स्ट्रीम से बंदे का ध्यान ना हटाए। तो आपने बिल्कुल ही बैलेंस बनाना है बीच में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एक तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में पैक में अवेलेबल करवा रखी है। तो आपने सिंपली इम्पोर्ट करके नीचे को ले जानी है अपने ओवरले के ऊपर, एंड इसकी जो ब्लेंडिंग है उसको कर देना है स्क्रीन,
ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके बिल्कुल बेस के ऊपर लेके जाना है ताकि ये और किसी लेयर को जो है इम्प्लीमेंट ना करे, ठीक है। तो भैया अब ड्रैग ही नहीं हो रही, ओके ठीक है, ये अपना हो गया। जब ब्लेंडिंग आपने कर दी तो आपने इफेक्ट ऐड करना है यहाँ पे कलर आइज का, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी आपका थीम रहेगा, मेरे में ग्रीन है, आप जो भी रखो, तो मैं यहाँ पे ग्रीन रख दिया। उसके बाद जो है ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके इसको एक स्मूथ जो है इन एनिमेशन देंगे जो कि ओपेसिटी वाली रहेगी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी ये पूरा ऊपर को है लेकिन बाद में हम इसको जो है मास्क कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आपको दिखेगा। फुल जो है ओपेसिटी आप ना रखें, इसकी थोड़ी सी कमी रखें ताकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ना लगे, ठीक है। ये तो हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट। डिस्क्रिप्शन मैंने दो तरह के लाइटनिंग दी है, एक तरह के पार्टिकल्स दिए हैं। आप पार्टिकल्स ऐड करोगे तो लाइटनिंग मत ऐड करना, अगर लाइटनिंग ऐड करोगे तो पार्टिकल्स मत ऐड करना। तो अभी आपने सारी एनिमेशंस कर ली एंड बैकग्राउंड ओवरले भी दे दिया, अब बारी आती है भाई मेरे फेवरेट पार्ट की जो कि है फायर एफेक्ट्स ऐड करना। तो डिस्क्रिप्शन में एक फोल्डर दिया है, उसमें 5 फायर एफेक्ट्स मैंने ऐड किए, सिर्फ 5 ही है इस वीडियो के लिए। अगर आपको और चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आप अगर एक इंपोर्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसी एनिमेशन मिलने वाली है, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड को ऐसे उठाना है, डार्कर और लाइटर में जाके ओवरले, मैं ब्लेंडिंग मोड में इसको स्क्रीन कर देना है। डार्क बैकग्राउंड ब्लैक वाला है जो वो हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मूवमेंट ट्रांसफॉर्म करके इसको तो पहले तो लोगों के पीछे लेके जाना है। पहले आपने डिसाइड करना है कि फायर इफेक्ट्स आपने लगाना कहाँ है। तो मैं अपने लोगों, जब मेरा लोगो आगे सेटल हो गया तो वहाँ पे मैंने अपना फायर इफेक्ट्स लगाना है, तो मैं इसको पहले तो नीचे लेके जाऊँगा एंड इसको छोटा करूँगा, छोटा करना है, थोड़ा सा ऊपर लेके बिल्कुल लोगों के पीछे सेट कर दूंगा। लोगों के पीछे सेट करना है तो आपको लेयर भी ड्रैग करके नीचे लेके जानी है, एंड यू कैन सी वी गॉट अ फायर इफेक्ट्स। लेकिन अभी भाई ये जो थंडर है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, तो सिंपली एक ब्लैक आपने सॉलिड लेना है, जो स्केल है इसका वो फुल बड़ा कर देना है जितना बड़ा हो सके, ठीक है। एंड इसको रख देना थंडर के ऊपर। थंडर के ऊपर रखने के बाद आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, एंड मूव ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल आपने ये देखना है कि आपका थंडर जो है वो हाइड हो रहा है, ठीक है, आपके बेस के ऊपर। तो बिल्कुल आपने वहाँ पे इसको सेट कर देना है, यहाँ पे आपके पास एक थंडर के लिए मास्क आ जाएगा। इसको लास्ट तक लेके जाएंगे भाई, ये थंडर की पूरी फुल फाइल है, इसको मैं स्प्रेड कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट अवर थंडर ओवरले बैक। इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट ओवरले आ गया। ये देखो आप, जैसे फायर कलर है इसका जो है ऑरेंज और येलो कलर है इसका, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ह्यू सैचुरेशन लेना है, ह्यू शिफ्ट लेना है आपने स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ, एंड इसको जो है ह्यू शिफ्ट की मदद से आपने ग्रीन कर देना है। देखिए इस पर आप कलराइज नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्रीन, जो स्क्रीन एलिमेंट है, स्क्रीन करने पर कलर जो है वो फेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन आ गया, तभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रीन जो है एनिमेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके बाद एक और इफेक्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक दैट्स दिस वन, ओके। ब्लेंडिंग में गए, लाइटन में गए, इसको स्क्रीन कर दिया, ठीक है। पुराने वाले फायर इफेक्ट्स में गए, यहाँ पे गए, ह्यू शिफ्ट को कॉपी इफेक्ट किया, कॉपी इफेक्ट, एंड हमने इस पर जो है पेस्ट कर दिया, तो ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको जो है नीचे मूव कर देना है, एंड इसकी जो है साइज को छोटा कर देना, थोड़ा सेंटर में रखना है एंड लोगों के नीचे रखना है। आई विल सी वी गॉट अ गुड एनिमेशन जब हमारा लोगो अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी ही कूल सी एनिमेशन है, फेस एनिमेशन मैंने एक दी है डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली दिस इज माय बेस्ट एनिमेशन, भाई कौन सी है, कहाँ गई, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एंड दैट इज दिस वन। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है। सबसे पहले तो जो है पेस्ट इफेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके स्क्रीन कर दूंगा। स्क्रीन करने के बाद फेस को कुछ ऐसे सेट करूँगा कि ये इसके ऊपर सेट हो जाए। तो पहले तो साइज छोटा करना पड़ेगा, एंड देन इसको इसके ऊपर रख के रोटेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इसको रोटेट करेंगे हल्का सा, एंड इसको यहाँ पे रख देंगे। तो नाउ वी विल सी हमारे साइड वाला लोगो जो है उस पर भी एक हमने फायर इफेक्ट्स ऐड कर दिया। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली डुप्लीकेट ड्रैग यहाँ पे रख दो, एंड आपके पास ये मल्टीपल जो है चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी बारी आती है भाई आपने किस फॉर्मेट में क्या साइज में एक्सपोर्ट करना है अपने ओवरले को। अगर देखो OBS पे यूज़ होगा आपका ओवरले, तो आपने सिंपली इसको ग्रीन स्क्रीन के साथ यूज़ करना है,
जो अपनी ब्लैक वाली लेयर ली थी इसको सिंपली कलर फिल करके आपने ग्रीन कर देना है, एंड यहाँ पे आपकी जो है ग्रीन स्क्रीन रेडी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका ओवरले ग्रीन है, मैंने ये ओवरले इंटेंशनली ग्रीन बनाया था, अगर आपका ओवरले ग्रीन है तो सिंपली आप एक डार्क ब्लू स्क्रीन भी दे सकते हो। एक ब्लू स्क्रीन होती है, ग्रीन स्क्रीन होती है, तो दोनों में से आप कोई भी अपने हिसाब से स्क्रीन दे दो, तो मैं ब्लू दूंगा बिकॉज मेरा ओवरले ग्रीन है, ठीक है। एंड अगर आपने इसको स्ट्रीम चैम्प में यूज़ करना है तो भाई स्ट्रीम चैम्प में अगर यूज़ करना है तो जो भी आपका ओवरले के बाहर चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि हमारा लोगो जो है वो ओवरले बेस के बाहर निकल रहा है, हमारा साइड लोगो भी हल्का सा बाहर निकल रहा है, और हमारा जो फायर इफेक्ट्स है वो भी लोगो ओवरले के बाहर जा रहे हैं, तो ये तो पहले आपको सबसे पहले अंदर करके सिंपली ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट करना है। देन आपने क्या करना है, अपना जो स्ट्रीम चैम्प ओपन करना है, इसको इम्पोर्ट करना है, एंड वो बेस वाली लाइन तक, बेस की अपर बॉर्डर तक आपने क्रॉप करके सिंपली आप एज अ GAF यूज़ कर सकते हो, GAF में कन्वर्ट करके। एंड आप अपने एंड्रॉयड में जो है ट्रांसपेरेंट फाइल जो है वो नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, बेसिकली ग्रीन स्क्रीन विल वर्क आउट, ग्रीन स्क्रीन बहुत ही अच्छी काम कर जाती है OBS पे। एंड या दैट इज़ अ वो वेट अ सेक, देखो आपने इन एनिमेशन तो दे दी, ठीक है, बढ़िया सी इन एनिमेशन आपने दे दी, आप आउट एनिमेशन कैसे दोगे? तो मेरे पास एक ट्रिक है आउट एनिमेशन देने की। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ओवरले को कर लो एक्सपोर्ट, तो मैं जल्दी से ओवरले को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखो ओवरले एक्सपोर्ट करने के बाद आपने आ जाना है काइन मास्टर में, एक 16:9 का प्रोजेक्ट लेना है, एंड यहाँ पे अपना एक्सपोर्टेड ओवरले जो वो ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या क्या सिंपली करना है, डुप्लीकेट लेयर करनी है एंड इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है, ये रिवर्स होएगा अपना, आराम से रिवर्स होने दो इसको। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो आपने फायर इफेक्ट्स ऐड किए हैं वो अगर रिवर्स हो गए तो वो बुरे लगेंगे, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ तक हमारा ओवरले आ गया एंड यहाँ पे फायर इफेक्ट्स जो है हमारा लास्ट वाला ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ट्रिम राइट कर देना है, एंड सेम ही यहाँ पे करना है आपने, कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा फायर इफेक्ट्स ख़त्म हो गया, यहाँ से ट्रिम राइट कर देना है, ठीक है। एंड नाउ यू हैव अ परफेक्ट आउट एनिमेशन ऑल्सो, ठीक है, आप देख सकते हैं आउट एनिमेशन बहुत ही परफेक्ट लग रही है। सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करो एंड यू कैन यूज़ योर ओवरले ऑन योर एनिमेटेड स्ट्रीम्स। सो गाइज दैट इज़ अप फॉर टुडेज ओवरले, आई होप आपको आज का ओवरले अच्छा लगा होगा। मैंने ग्रीन कलर इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि ग्रीन कलर का ओवरले अगर आप होगा तो आप उसकी जगह पर ब्लू स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो, एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ग्रीन कलर का ओवरले बनाओ, किसी भी कलर का ओवरले बना सकते हो, बेसिकली लोगो पर डिपेंड करता है कि लोगो का थीम क्या है। एंड या दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पैक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, पैक में वो काफ़ी सारी जो है इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलने वाली है। एंड या दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई एम लेट, साइनिंग आउट।